जो भी टेक्स्ट हमने टाइप किया है उसको चेंजेस करना, बदलाव करना, फॉर्मेटिंग करना, क्या क्या कर सकते हैं? राइटिंग चेंज कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, एक नया वर्ड बता रहा हूँ, अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, जैसे व्हील्स गाड़ी है उसका अलाइनमेंट चेंज कराते हैं पहियों, वैसे ही ये भी अलाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर और हाईलाइट, ये पेज पे अप्लाई होते हैं, हम इनका यूज सीखेंगे अभी नहीं। तो ये होता है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार, क्लियर है? चारों ऑप्शन। टाइटल बार कौन सा होता है? अभी मैं पूछ रहा हूँ टाइटल बार कौन सा होता है, इसमें टाइटल बार कहाँ पे है? बिल लेके आ जाना, सबसे टॉप ऊपर, सबसे टॉप पे। टाइटल बार क्या शो करता है? और दिखाने के लिए पहली बार तो वापस तो बिल लेके आ जाना। आप बताओ फाइल का नाम, अगर मैंने फाइल सेव नहीं किया है तो क्या शो करेगा? वो ले लेगा। अनटाइटल वन, वन क्यों शो करता है? नहीं, वन वन अनटाइटल वन, एक बार कंट्रोल एंटर करना। अब एक्सप्लेन कर, देखो यहाँ पे टू आ गया, क्यों? क्योंकि ये दूसरा पेज आ गया। आपके कंप्यूटर के अंदर राइटर के जितने पेज ओपन होंगे जो बिना सेव होंगे उनको ऐसे ही शो करेगा, वन टू थ्री फोर। सेव है तो नाम से, नहीं है तो वन टू थ्री। एक बार और कंट्रोलिंग कर लो। अब देखिए थ्री आ गया ना। अनटाइटल वन क्यों था? क्योंकि पहला पेज था, सेव नहीं, उस मतलब उस डॉक्यूमेंट का पहला पेज नहीं, उस राइटर के डॉक्यूमेंट का पहला पेज था, राइटर का जो उस कंप्यूटर के अंदर है उसका पहला पेज है। अब तो समझ रहे हैं ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इनको क्लोज कर दूं, वन पे रहना, ठीक है। टाइटल बार क्लियर है, फाइल का नाम, सॉफ्टवेयर का नाम और उसके पार्ट का नाम क्या शो करता है? टाइटल बार। मेनू बार क्या होता है? मेनू बार, मैं अभी सीक्वेंस में जा रहा हूं, पहले जो मैंने बताया वो पूछा, उसके बाद जो मैंने बताया वो पूछा, अब बताओ टाइटल मेनू बार क्या होता है? मेनू बार के अंदर कौन कौन से विकल्प आते हैं अब बताओ? मेनू बार के सब, आप हाथ से ही बता सकते हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, नाम समझ में नहीं आ रहा, आप हाथ से इशारा करो, मैं समझ जाऊंगा कि आपको आ रहा है समझ में। मेनू बार से दो पैर ओपन होती है, उसको सब मेनू बार कहते हैं। मैं सब मेनू का नहीं पूछा मैंने, मेनू बार क्या होता है? जैसे आपको ये ने बताया ना आपने पूरा टाइटल बार होता है, अब मैं पूछ रहा हूँ मेनू बार क्या होता है? मेनू बार में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं आप बताओ? मेनू बार जो है सेकंड नंबर पर आता है, इसमें शायद पांच या छह टाइटल होते हैं जिन्हें चूज करके हम उनके नाम जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल्स, विंडो, हेल्प, ठीक है। मेनू बार के अंदर जो ऑप्शन होते हैं फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, टेबल, टूल, विंडो, हेल्प, ये सारे विकल्प, इनके अंदर जो ऑप्शंस आएंगे उनको हम सब मेनू बार कहते हैं। उनके अलग अलग फीचर्स होते हैं, जैसे कि हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, बहुत सारे चीजें कर सकते हैं, ये हमारे मेनू बार के अंदर आते हैं। तीसरा ऑप्शन है स्टैंडर्ड टूल बार, आप बताओ स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है? कहते क्या इसको, क्यों कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार, इसका डेफिनेशन बताओ आप। मैंने बताया था ना जी, पूछा भी था, सबको क्लियर है, तब आगे बढ़ूंगा मैं। स्टैंडर्ड
आप बताओ सर। इसमें टूल बार से अधिक फंक्शन होते हैं सर, ये मतलब ज्यादा हैवी होता है उससे। ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक है, क्लियर। लेकिन डेफिनेशन क्या है इसका? स्टैंडर्ड टूल बार एक शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट एक लाइन का डेफिनेशन है जिसको हम ज्यादा यूज करते हैं उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज टेक्निकल वर्ड है एक, इसको बोलने में अगर आप किसी को डेफिनेशन बताओगे स्टैंडर्ड टूल बार का तो ये अच्छा लगता है, कस्टमाइज कर सकते हैं, छोटा सा है बट उसको हिंदी में समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। स्टैंडर्ड टूल बार एक शॉर्टकट तरीका होता है जिसका उपयोग यूजर अपने अकॉर्डिंग मतलब अपने हिसाब से जितना यूज करता हो जो ऑप्शन उसको वहाँ रख सकता है, यानी कस्टमाइज कर सकता है, हटा सकता है या रख भी सकता है, कस्टमाइज में ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर्मेटिंग टूल बार, आप बताओ फॉर्मेटिंग टूल बार, आप बताओ फॉर्मेटिंग टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे होता है। अब एक चीज, फॉर्मेटिंग टूल बार स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे होता है, मैं आपको यहाँ पे क्लेरिफाई कर दूं, बाय डिफॉल्ट सही है, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेस मतलब इंटरचेंज कर सकते हो इन दोनों के साथ, इसको ऊपर कर दोगे इसको नीचे कर दोगे, तो क्या अब ये डेफिनेशन सही होगा? अभी तक तो सही है, जहां तक क्लास चला है उस हिसाब से सही है, पर इन फ्यूचर के लिए क्या ये डेफिनेशन सही होगा? नहीं, आप इसको चेंज कर सकते हो, कर सकते हैं ना। अब चलो बताओ, आप ट्रेनर होने जा रहे हो, जाके पढ़ाओगे तो डेफिनेशन थोड़ा देखो, बताओ। और इसको फॉर्मेट टूल बार में हम फॉर्मेट चेंज करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी हम टाइप करते हैं, जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसका फॉर्मेट चेंज करते हैं, जैसे कि सर स्टाइल, इसका फॉन्ट, इसका साइज, और जो हमने पैराग्राफ लिखा है जैसे हम बीच में लेफ्ट या राइट जहाँ पे हम रख सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? नेक्स्ट अब आता है आपका रूलर, कौन बताएगा रूलर क्या होता है, किसी को कुछ आइडिया है? पेज के साइज को फिक्स करने के लिए, पेज के साइज को फिक्स करने के लिए कितने प्रकार के रूलर होते हैं? मार्जिन के लिए साइज पे कितना मार्जिन रखना, ऊपर का मार्जिन आएगा साइज तो साइज से बढ़ेगा। रूलर दो प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखिए ये वाला ये रूलर हो गया, इनका भी डेफिनेशन सही था, पेज के मार्जिन को सेट करते हैं, इनका भी सही। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, ये मैंने आपको बता दिया, क्लियर है सबको। तीसरा ऑप्शन आता है टेक्स्ट बाउंड्री, ओपन ऑफिस में आपको टेक्स्ट बाउंड्री नहीं मिलेगा, आप बॉर्डर लगा सकते हो उस एमएस वर्ड में, ओपन ऑफिस राइटर में आपको टेक्स्ट बाउंड्री मिलेगा ये वाला, जो कि ये बताता है आप इसके अंदर टाइप करो, आप इसे हटा भी सकते हो रख भी सकते हो। ये एमएस ऑफिस के किसी वर्जन में नहीं है क्या चीज़? टेक्स्ट बाउंड्री, टेक्स्ट बाउंड्री नहीं है, आप बॉर्डर लगा सकते हो, नहीं वो ओपन होता है, उसमें आप बॉर्डर लगा सकते हो। जी बॉर्डर लगा अच्छा आप बताइए आप लोग स्क्रॉल बार क्या होता है? स्क्रॉल बार
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हाँ ये भी दो प्रकार के होते हैं लेकिन होते क्या हैं? हाँ बताओ। और बार जो होता है ना पेज के साइड में देखिए आप जो है ना इसको ऊपर नीचे ले जाने के लिए और साइड नहीं वहां से नहीं बिल्कुल ये वाला। हाँ ये वाला जो इसको इसको ऊपर नीचे ले जाने के लिए आपका कहलाता है। और साइड में ये इसको आप माउस के द्वारा भी उपयोग कर सकते हैं। जी माउस से क्या कर सकते हैं आप अप डाउन पेज पे जा सकते हैं ऊपर नीचे क्लियर है यहाँ तक। ये मैं जो तरीका आपको पढ़ा रहा हूँ ना ये आपको वीडियो के थ्रू पढ़ना है। मेरे को पता है कि राइटर वन में कितना है मैं वहां तक कवर करा दूंगा क्लास को रोक दूंगा। आप लोग थोड़े स्टैंडर्ड हैं मतलब लेवल है आपका आप कर सकते हैं मैं उतना पढ़ा के उतना समझा के आप क्लास लोगे वीडियो के द्वारा इसलिए ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए और हम ज्यादा कर सकें। क्लियर है यहाँ तक? आप जब तक नहीं बोलोगे कि क्लियर है मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्लियर है स्क्रोल बार तक? ठीक है अब हम चलते हैं यहाँ पे तीन ऑप्शन ऊपर क्या यूज होगा इन तीनों का सर आप बताओ आपको आंसर देना पड़ेगा इन तीनों बटन का नहीं बताओगे फिर बहुत दुख होगा। सबसे पहले तो आप ये बताइए इस बटन को कहते क्या हैं? ये वाला ये एक दो तीन कैसे क्लास लेंगे सर आप? आप बताओ क्या कहलाता है?